हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीजी सेल्फ गाइड। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप अगर AEBAS यानी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में अपने नेम को रजिस्टर करना चाहते हैं या अपने कलीग के नेम को रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है और जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे तो वहां पे किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीजी सेल्फ गाइड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, AEBAS आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पर रजिस्टर करने के लिए आपको मुख्यतः तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, या यूं कहें कि जिनका भी नेम आप BAS के पोर्टल पे यानी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में रजिस्टर करना चाहते हैं उनका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एज पर आधार वहां पे नेम एंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा, उसके बाद आपको अपना जो आधार नंबर है वो एंटर करना होगा सही सही, फिर वो ऑथेंटिकेट होगा तब जाकर के आपका आधार कार्ड जो है उसमें ऐड हो सकता है। दोस्तों, AEBAS पर रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन करना होगा। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है तो सिंपली मैं न्यू टैब पर क्लिक कर लेता हूँ। मैंने न्यू टैब पर क्लिक कर दिया, उसके बाद सिंपली यहाँ पे मैंने AEBAS जैसे डाला तो attendance.gov.in यहाँ पे हमारा ये जो डैशबोर्ड है ये खुल करके आ गया। सिंपली यहाँ से अब क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर कर रखा है तो सिंपली यहाँ से कैप्चा एंटर करना होगा। यहाँ पे साइन मी ई पर मैंने क्लिक कर दिया है, देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गया है। तो गाइज, जब ये हमारा पोर्टल लॉगिन हो गया है तो आप देख सकते हैं बैक टू एम्प्लॉय कॉर्नर, ये हमारा एम्प्लॉय कॉर्नर का जो डैशबोर्ड है ये ओपन होकर आ गया है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पे अटेंडेंस शो हो रहा है, अटेंडेंस वाले पे क्लिक करना है। अब देखिए मोदी जी का जो ये नोटिफिकेशन है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, सिंपली इसे यहाँ से हम क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दो तरह से आप यूजर को रजिस्टर कर सकते हैं, एक है आधार बेस्ड, एक है वर्चुअल आईडी बेस्ड। तो सिंपली यहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ आधार बेस्ड कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आधार सेलेक्ट कर रखा है। वर्चुअल आईडी के थ्रू कैसे करते हैं इसके लिए मैं अगली वीडियो बना दूंगा, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा वर्चुअल आईडी लिख करके। तो इसमें सारा डिटेल मैं फिल कर लेता हूँ फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पर्सनल डिटेल्स में एंटर कर लिया है, जो एम्प्लॉय नेम एज पर आधार कार्ड है यहाँ पे एंटर कर लिया है। यहाँ से आप इसको एडिट भी नहीं कर सकते। तो डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड मैंने एंटर कर लिया है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। एंटर आधार नंबर, आधार नंबर एग्जैक्टली मैंने वही फिल किया है जो कैंडिडेट का है। उसके बाद ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं इसे। उसके बाद मोबाइल नंबर जो है कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो इसको हमने फिल कर लिया। उसके बाद सिंपली आप क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स में जाना है, तो इसके लिए सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। मैंने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया। उसके बाद एम्प्लॉय टाइप में जाना है, तो एम्प्लॉय किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, या तो गवर्नमेंट होते हैं या नॉन गवर्नमेंट होते हैं। तो अभी जो मैं रजिस्टर कर रहा हूँ वो नॉन गवर्नमेंट कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ से नॉन गवर्नमेंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद है डिवीजन स्लैश यूनिट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो सिंपली आपको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना होगा, तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिंपली यहाँ से डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन यहाँ से जो आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में दिख रहा है आपको ये सेलेक्ट करना होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे डेजिग्नेशन शो नहीं हो रहा होता है, तो न्यू डेजिग्नेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डेजिग्नेशन चाहिए वो इस लिस्ट में है, तो इसलिए यहाँ से मैं यंग प्रोफेशनल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अगर ये नहीं होता तो मैं आपको इसमें ही थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता कि आप न्यू डेजिग्नेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर न्यू डेजिग्नेशन क्रिएट करना हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल में कि कैसे न्यू डेजिग्नेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल ऑफिस लोकेशन, तो ऑफिस लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय कोड, ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई कोड है एम्प्लॉय का तो यहाँ से आप डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है एक फोटोग्राफ जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम 150 KB का होना चाहिए वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो चलिए यहाँ से चूज फाइल कर लेते हैं। मैंने चूज फाइल किया, सिंपली मैंने डाउनलोड्स में उसे रख रखा है। यहाँ पे देखिए ये वाला फाइल है और 140 KB का है। देखते हैं ट्राई करके अपलोड करके, अगर ये अपलोड हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उसे हम कंप्रेस करके दिखाएंगे कैसे आप उसे एडिट कर सकते हैं। मैंने उसे अपलोड कर लिया। उसके बाद यहाँ से कैप्चा एंटर करना होगा। यहाँ से कैप्चा एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ से टर्म्स कंडीशन पे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से ये जस्ट एक डिक्लेरेशन है कि जो भी आपने इसमें फुलफिल किया है वो सही है। अगर वो
अगर उसमें कुछ भी गलत पाया जाता है तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जो आधार अधिनियम बायोमेट्रिक अधिनियम के तहत है, आप इसे पढ़ सकते हो। तो सिंपली यहाँ से मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डियर सर मैडम Employee registration for biometric attendance system yani BAS is completed for your records. Registration ID is this, name of this and mobile number is this. You can only mark attendance once you are activated. Kindly request for your nodal officer to activate your attendance. yani ki abhi to aapka successfully registration ho chuka hai lekin abhi bhi aap apne बायोमेट्रिक के थ्रू अपना अटेंडेंस नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको नोडल ऑफिसर से रिक्वेस्ट करना होगा कि आपके जो आपकी जो आईडी है उसको एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि वो अभी डीएक्टिवेटेड है। तो यहाँ लिखा हुआ है काइंडली रिक्वेस्ट योर नोडल ऑफिसर टू एक्टिवेट योर अटेंडेंस आईडी। तो आपका नोडल ऑफिसर जो कोई भी है उनसे जब बोलोगे कि एक्टिवेट करने के लिए, जब वो एक्टिवेट कर देंगे कहीं से भी आप अपना अटेंडेंस लगा सकते हैं। लेकिन जहां से भी आप अटेंडेंस लगाएंगे, अटेंडेंस मार्क करेंगे, लोकेशन वहीं का फैच होगा, वहीं का पता लगेगा कि आपने कहां से अटेंडेंस लगाया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करने के साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर से दबा लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इंफॉर्मेशनल और यूजफुल कंटेंट मैं अपने इस चैनल पे लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।